अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक ही कह रहे थे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग फिर करते हैं जी स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो दोपहर के बज रहे हैं इस वक्त 4:30, तो मैं इधर बैठा एडिटिंग शेडिटिंग कर रहा था। आज दो व्लॉग एडिट करने हैं हमने एक दिन में, ये पहला कर रहा हूँ, एक रात को भी करेंगे ये वाला जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। तो दादी जान की मुझे कॉल आ गई कि बेटा मुझे चाय बना दो और थोड़े से राइस पड़े वो भी गर्म कर देना। तो आए भाई, दादी जान को चाय बना दें यार, उठने का दिल नहीं कर रहा वैसे मेरा, पर मैं उठ गया। चलो यार, हेलो माँ जी, ताड़े लिए स्पेशल चावल। अपना कर्जा भी ले ला ओ की गल सी, मैं पिछले दिन अम्मी जाने मेरे से लिए थे, मुझे वापस दे दिए, रख लें दे की हो गया। अच्छा चावल खा लो, मैं तुम चाय बना दूं। यार ठंड है यार, मुझे ठंड लग रही है। हेलो माँ जी, मैं नहीं खाने अम्मी जी, मेरा ना काम बहुत फंसा पिया, मैं हूँ काम से बैठा हूँ। ओ भाई वापस आए अपने काम में यार, बैठ भाई अंजलि दी वीडियो कंप्लीट कर। 2 hours later तो भाई वीडियो शीडियो मैंने अपलोड कर दिया, जाके देखो यार। अभी अगर नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया भाई यार तो जल्दी जल्दी करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग। तो भाई बाबा जी ने मुझे रोटियां लाने का कहा है, तो यार अब जो दिन है ना बहुत बहुत ज्यादा ठंड है, शाम का वक्त है और ऐसा लग रहा है ठंड जैसे हवाओं की तरह ठंड लग रही है, हवाओं की तरह। खान साहब ठीक, तो जी बाबा जान ने दो तीन काम कह दिए हैं यार। बाइक ना थोड़ी सी ना खराब हुई हुई है, जब वो चलाते हैं ना तो वो जंपिंग करती है, यानी कि ना कोई बैरिंग शेरिंग का मसला है उसके अगले टायर में, जिसकी वजह से ना वो हर एक सेकंड बाद ना झटका मारती है। तो मैं वो मैकेनिक के पास लेकर जा रहा हूँ यार, वो ठीक करवाते हैं यार, वो मसला पड़ा हुआ है। और यार जल्दी जल्दी यार, ये जो वॉल है ना ये पीछे शॉर्ट वीडियोज में भी बहुत तंग करती है यार, बहुत बहुत बुरी लगती है, तो इसको भी ना हम जल्द से जल्द अपग्रेड करने वाले हैं। टेंशन नहीं ले रही है बॉय, ये बॉय शीट लगा लेंगे इधर, शीट मैंने पसंद की हुई है वही लगा देनी है इधर, फिर ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लगने लग जाएगा। या बॉय, तो मिलते हैं फिर भाई जंग की मेन मोटरसाइकिलों वाली मार्केट में जाके। ओके जस्ट देन, तो भाई मोटरसाइकिल वाली मार्केट में आ गया, वहाँ एक फिल्म हो गई है हमारे साथ, मैं आपको आकर बताता हूँ। फिलहाल ना हम यार पानी नहीं है, तो भाई मैं अभी नमाज पढ़कर हटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्तरे बिस्तरे कर रहा था अपने। तो भाई मैं बताता हूँ आपको क्या फिल्म हुई है हमारे साथ। मैं लेकर गया हूँ गाड़ी का छोटा सा मसला, बाबा जान ने एहतियातन मेरी जेब में 1000 रुपये मुझे दिए थे कि बेटा जाए देखें, कोई 600-800 का खर्चा आएगा वो करवा लें, बैरिंग डलवाने और व्हील का कोई मसला है और हैंडल टेढ़ा है वो सीधा करवाना था। तो यार गया हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो निकाले हैं कि ना खराबी है गाड़ी में, व्हील बैलेंस नहीं है, वो है बैरिंग है और आपका रिम भी ख़राब है, रिम को भी चेंज करवाएं, तो ये 1000 की जगह 2500-3500 रुपये का खर्चा होना है। तो बाबा जी ने कहा वो कल परसों तक करवाएंगे, फिलहाल गाड़ी वापस ले आओ, मैंने काम जाना है। तो मैं गाड़ी वापस ला के चाबी बाबा जान को दे दी, बाबा जान चले गए फिर अपने काम। अब बैठ कर एडिटिंग शेडिटिंग करनी है हमने, और मामा जान स्पेशल चाय बना कर लाई है। यह वो लेकिन हाँ जी वे वे बट वे बट वाय मामा, लेकिन क्यों मामा, कितनी जमातें पढ़ी थी आप? 10। फिर तो आपको समझ लग जाती होगी ना इंग्लिश विंग्लिश की, कोई कोई लफ्ज़ नहीं लगा। तो भाई अभी भी गाइस सबको दबा के हटा आपका भाई, और पापा जान क्रीम किधर पड़ी है आपकी? और ये लैपटॉप शैपटॉप लेकर बैठा हुआ था, काम कर रहा था। मम्मा जान किधर पड़ी पापा की? मिल गई मिल गई, मैं डब्बी दे दोनों थोड़ी जी कढ़ी ते किन्नी बड़ी निकल आई। बाबा जान कह रहे हैं नींद मुझे बहुत तेज आ रही है, बाबा जान नींद के बहुत तेज है, 5 मिनट में बाबा जान सो जाते हैं, 5 मिनट में। हम इधर 20-20 मिनट 30-30 मिनट 40-40 घंटा घंटा पड़ा रहते हैं, हमें तो कुछ होता नहीं। और यार पर तो कॉलेज जाना है, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग, ये दिन जो 10 दिन आए थे यार कभी नहीं भूलेंगे यार। कर रहे हैं तेरे ऊपर पेट्रोल पा के तेनू साड़ देवा, चल पर हम क्या करें, हमारा बस से नहीं चलता। ओ यार, तो भाई ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा यूनिफॉर्म बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है, ये देखो इतने दिन बाद निकाला है यार, किसका दिल करता है जाने को। यार वैसे एक बात भी मैंने नोट किया यार, जिन दिनों हमें लीव्स हुई थी ना उन दिनों इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन कल से ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, धुंधे पड़ रही है इतनी, असल ठंड तो अब स्टार्ट हुई है, लेकिन अब कॉलेजेस खुल जाने हैं यार,
वैसे होना चाहिए यार, जनवरी में सही टिका के ठंड पड़ती है, जिस वजह से ना जनवरी में लीव्स होनी चाहिए यार। चलो हमने तो यूनिफॉर्म निकाल लिया, हम तो जाएंगे ना परसों से, ये यहीं पड़ा रहेगा। बारह कॉलेज यार, कॉलेज जाके ना यार रूटीन ना डिस्टर्ब हो जाती है, सीधी बात है। एक डेली व्लॉगिंग की रूटीन होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं करेंगे इंशा अल्लाह ताला। पेरेंट्स ने तो मुझे पहले से कहा था कि बेटा तू प्राइवेट पढ़ ले, प्राइवेट पढ़ ले, लेकिन मैं मेरी ये जिद थी भाई कि मैंने रेगुलर पढ़ना है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट एडमिशन लेता, और मैंने लिया भी था, एक साल एमए ने वेस्ट कर दिया, मैं इस वक्त सेकंड ईयर में होता। एक साल वेस्ट तो नहीं कहेंगे, दरअसल हुआ कुछ इस तरह था कि मैं ना प्राइवेट एडमिशन लेट कर ही जा रहा था, लेट तो नहीं किया इतना, बस इसी बात से मुतमईन होते हुए कि भाई FAIT प्राइवेट हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि FAIT प्राइवेट नहीं होती। मैं गया एक बंदे के पास, उसका काम है एडमिशन भेजना, उसने तो मुझे फ़ौरन फ़ौरन पकड़ना है कि भाई लड़का है, एडमिशन करवाए। मैंने कहा भाई मैंने FAIT करनी है, उसने उसी दिन ही कहा कि FAIT नहीं हो सकती क्योंकि कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जिस वजह से आप ये प्राइवेट नहीं पढ़ सकते, इसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा। तो यार मैंने कहा यार FA सिंपल करके मुझे क्या मिलना है, सिंपल FA की वैल्यू ही नहीं, IT की तो, IT की तो चलो फिर भी कुछ वैल्यू है, तो इसलिए मैंने FAIT रेगुलर की। मैंने आज ही बात की मम्मा जान से, मैंने कहा मम्मा जी यार कॉलेज जाना है परसों, तो मम्मा जान ने मेरी बेइज्जती कर दी कि तेनों कहते असी बहुत प्राइवेट पढ़ ला, हूँ तेरी मर्जी सी, जाओ हूँ रेगुलर ठंड च मरो। अलहमदुल्ला इतना माइंड है कि मैं सुकून से पास कर सकता हूँ अलहमदुल्ला। तो भाई यार परसों का कॉलेज जाना वा यार, ओ तेरी बादल आए हुए हैं भाई फुल, वो देखो नजर आ रहे होंगे आपको यार। तो भाई वो वॉल पर ना शीट लगाने के लिए मैंने डिसाइड कर ली हुई है कि हाँ भाई ये शीट लगेगी, और ऊपर वो MH लॉगिस वाला जो मेरे पास है अपना नाम, या वो लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो देखो जब हमने ये कमरा मॉडिफाई किया था ना, ये नहीं होता था, ये मेरी मामा जान ने खुद सिया हुआ पर्दा, दूसरे रूम का भी मम्मा जान ने खुद पर्दा सिया, और यार क्या पर्दे सिए थे, हर बंदे ने तारीफ की थी। तो ये शीट हमने ना कुछ इसको कवर करने के लिए लगाई हुई है, देखो ये शीट मुझे बहुत ही प्यारी लगी, इसका प्रिंट भी अच्छा है बारीक सा, और इसके ऊपर ना वो हमारा लोगो लगा हुआ भी प्यारा लगेगा, और वीडियो भी हैवी बन जाया करेगी यार। शॉर्ट वीडियोज देखी है आपने, कितना बुरा आता है यार वो, एक वही जगह है बिल्कुल सेट जिधर रोशनी भी अच्छी है और हैवी निज़ाम हो जाता है, तो अब ये शीट भी लग जाएगी इंशाल्लाह ताला, VIP प्रोटोकॉल के साथ व्लॉग आएगा, टेंशन ही लेनी है बॉय। तो यही शीट मैंने फाइनली डिसाइड की है लगाने के लिए, अल्लाह करे मिल जाए अब जिनसे ली थी, मैं कल जाकर उनसे पता करूंगा कि भाई ये शीट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, अगर कोई ऐसा मुझे प्रिंट भी मिल जाए, ये तो लकड़ी है लेकिन अगर ऐसा भी प्रिंट अगर मिल जाएगा ना मज़ा आ जाएगा। और आपको मैं सच बात बताऊँ यार, भूख भूख ना बड़ी ही लग रही थी, तो मैंने ना एक जिंगर बर्गर मंगवा लिया हैवी सा करके, ये बॉय वो आ ही रहा होगा, क्या पता पहुंचने ही वाला हो, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बेल बजा देगा घर आकर, जिंगर बर्गर कहेंगे पैसे थे आपके भाई के पास कुछ तो बर्गर क्यों ना उड़ा लिए जाए, ये बॉय ये बॉय हमारा बर्गर आ गया। तो बेल बजाता तो सही तुझे मैं बताता, चल फिर ओके ठीक है इब्राहिम भाई, चेक करो लैपटॉप शैपटॉप लेके बैठा, बीट बॉक्सिंग शीट बॉक्सिंग सुन रहा था, तो यार मंगवाया आपके भाई ने बर्गर, या बॉय आई, इसने मेरा दिल जीत लिया, पूछो क्यों, क्योंकि इसने 107 भेज दी है। हाय 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 हाय, चेक करो माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बर्गर ही नहीं जिसमें हाथ मैसी ना हो। ओके तो भाई मैं बैठा कर रहा हूँ एडिटिंग शेडिटिंग कर कर, फिर मैं सो जाऊंगा, और क्या करना है, परसों से फिर कॉलेज जाना है, कल रूटीन काफ़ी ज़रा चेंज करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या बनता है। ओके ओके ओके। Approximately 10 hours later. तो भाई ये देखो तब से बैठा एडिटिंग कर रहा हूँ, और रात के बज रहे हैं इस वक्त 2:30। तो भाई फिर बहुत सारी इंजॉयमेंट के साथ आज का ब्लॉग फिर करते हैं यहीं खत्म, उम्मीद है कि आपको जरूर 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 पसंद आएगा, अगर आप इस और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपने दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। फेसबुक पे लाइक करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार अपने भाई को। ओके।